हे दोस्तों, आज की वीडियो में जो कि हम आपको बताने वाले कि गूगल पे को किस तरीके से जो कि यूज करते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है जो कभी गूगल पे नहीं यूज किए हैं या बिगनर हैं, उनको जो कि गूगल पे के बारे में नहीं पता है कि गूगल पे होता क्या है या गूगल पे को किस तरीके से जो कि यूज किया जाता है। गूगल पे यूज करते हैं या आप गूगल पे यूज करना जानते हैं तो ये वीडियो आप ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में जो कि हम आपको बताने वाले कि किस तरीके से जो कि क्यूआर कोड से जो कि स्कैन करके जो कि किसी को पेमेंट भेज सकते हैं या किसी का नंबर से जो कि किस तरीके से जो कि किसी के नंबर पे जो कि आप गूगल पे भेज सकते हैं या किसी का बैंक अकाउंट पे जो कि आप किस तरीके से जो कि पेमेंट को भेज सकते हैं, गूगल पे से जो कि एक दूसरे को जो कि पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप रिसीव कर सकते हैं। गूगल पे से ही है जो कि आप अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक रिचार्ज कर सकते हैं या आप LIC का जो कि पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से जो कि बहुत अलग अलग चीज होता है जो सब है जो कि आप अपने एक गूगल पे एप्लीकेशन से ही कर सकते। इसके अलावा इसी तरीके से जो कि पेमेंट के लिए जो कि अलग अलग कई एप्लीकेशन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया। ये सभी जो कि UPI के थ्रू है जो कि सभी एक दूसरे के साथ जो कि पेमेंट रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजबल वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। आने के बाद देख सकते हैं गूगल पे यहाँ पे जो कि GPay है शॉर्टकट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा ओपन होने के बाद। तो ये ओपन होकर के आ गया है यहाँ पे। अगर आपको फर्स्ट बार है जो कि अगर आपका सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट मांगेगा या पिन मांगेगा वो जो कि आपको डाल देना है, आपको ओपन होकर के चलाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अगर आप फर्स्ट बार इंस्टॉल किए हैं और अगर आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं किए हैं या ऐड नहीं किए हैं तो वो है जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ऐड बैंक अकाउंट का आपको ऑप्शन आ जाएगा या आपको यहाँ पे अगर आप में नहीं दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर हम मेरा में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे व्यू अकाउंट बैलेंस है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा भी अकाउंट अभी ऐड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस पर, तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे कर रहा है ऐड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे शो करना है। अगर नहीं शो करता है तो ऊपर में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं किए हैं या यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आता है कि एक बैंक है जो कि अभी इसमें ऐड है। इसके अलावा और भी है जो कि बैंक इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। सिंपल आप बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, बैंक का नेम है जो कि आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने गूगल पे का अगर QR कोड निकालना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर ही आपको ऊपर में ही ये जो कि पिक्चर वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे QR कोड आ जाएगा। QR कोड है, अगर आपको यहाँ पे जो कि स्कैन करके अगर आपको पेमेंट करना है तो आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं। ओके, ये रहा मजाक वाली बात, यहाँ तक है जो कि हम लोग का समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ पर जो कि जो भी आपका नाम, मोबाइल नंबर और नाम और ईमेल आईडी वो सब जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं। ये है जो कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है इसका। तो ये है जो कि समझना हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्कैन एनी QR कोड पे जैसे आप क्लिक करेगा, यानी कि किन्हीं को अगर आपको पेमेंट करना है स्कैन कर करके, वो किसी भी तरीके का स्कैनर हो सकता है, वो GPay का स्कैनर हो सकता है या फ़ोनपे का स्कैनर हो सकता है या पेटीएम का स्कैनर हो सकता है, किसी भी तरीके के स्कैनर को अगर आपको स्कैन करके अगर आपको पेमेंट करना, उसके लिए आपको स्कैन एनी QR कोड पे आपको क्लिक करना, तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए कह रहा, जैसे हम लोग इसे जो कि किसी QR कोड के सामने लाएंगे वो थोड़ा सा एंगल भी रहेगा तो वो जो कि स्कैन कर लेगा, फट से स्कैन कर लेगा चंद सेकंड में। तो यहाँ पर हम अपने PC पे जो कि दिखाते हैं, देखिए मेरे PC पे जैसे ही ले गए वैसे ही जो कि ये स्कैन ले लिया है और यहाँ पर जो कि मेरे ऑफिस का जो कि ये QR कोड है और यहाँ पर शो कर दिया। पेमेंट इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर जो कि इसमें आपको जो भी अमाउंट डालना है वो है जो कि अमाउंट आपको फिल करना है, उसके बाद है जो कि आपको उस अमाउंट से रिलेटिव अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर जो कि फ़िलहाल हम टेस्ट कर देते हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि हम अपना UPI जो नंबर होता है वो है जो कि हम यहाँ से फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो कि यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं किसी भी तरीका की। ये तो अभी था गूगल पे का, अब यहाँ पे हम आपको एक पेटीएम का जो कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए फिर से हम लोग इस पर क्लिक किए, ठीक है, स्कैनर पे और हम लोग सिस्टम पे। एक मेरा जो कि फूड वाले हैं उनका जो कि देख सकते हैं कि ये
पेमेंट का है जो कि मेरा जाता है हमेशा का, तो ये उनका आ गया। तो आप इस तरीका से जो कि यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा कि नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। पे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको पे कॉन्टैक्ट में जितना भी आपका कॉन्टैक्ट रहेगा वो सभी का जो कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा जिसका गूगल पे फोन पे रहेगा वो सब भी शो करेगा। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट में कोई बंदा है उसको जो कि हमको पेमेंट करना, उसके लिए आपको सिंपल आपको पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाना, उसका नाम है जो कि आपको सर्च कर लेना या उसका मोबाइल नंबर सर्च कर लेना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर जो कि ऑलरेडी हम पहले हम पेमेंट किए हैं वो सभी जो कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद जो कि आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है 1 रुपी, और यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से जो कि पे पे क्लिक करेंगे, और जो भी यहाँ पे आपको UPI नंबर है वो जो कि आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, और ये आपको देख सकते हैं कि अमाउंट इस तरीका का जो कि पेमेंट हो गया, और आपके पास जो कि मैसेज भी आ जाएगा, और यहाँ पे शो भी कर दिया पे इतना इतना। ठीक है, तो आप इस तरीका से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे किसी थर्ड पार्टी से अगर कोई कह रहा है कि हमें पेमेंट कर दीजिए गूगल पे या फोन पे, फोन पे रहेगा तो उसके लिए आपको स्कैनर चाहिए, गूगल पे रहेगा यानी कि ये गूगल पे है और किसी और का गूगल पे है, अगर उसका नंबर है तो उसका सिंपल आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है। अगर आपका कॉन्टैक्ट में रहेगा तो शो करेगा, नहीं कॉन्टैक्ट में रहेगा तो वो शो नहीं करेगा। सिंपल उसी तरीका से जो कि आपको यहाँ पे आ जाएगा फिर से, और यहाँ पे जो कि ब्लैंक रहेगा यहाँ पे आपको पे पे क्लिक करना है, सिंपल फिर सेम प्रोसेस से जो कि आपको पेमेंट को यहाँ से कर देना। तो आप इस तरीका से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कि बैंक ट्रांसफ़र, इस पर भी हम बात करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र को अभी हम लोग होल्ड करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पे UPI ID और नंबर, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कि जो भी UPI नंबर है, UPI नंबर का मतलब होता है कि आपका जो ईमेल आईडी होता है वो ईमेल आईडी के थ्रू है जो कि एक UPI नंबर क्रिएट किया जाता है। अगर आप उसके थ्रू अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप डाल सकते हैं, जो कि जनरली हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके अलावा सेल्फ ट्रांसफ़र, सेल्फ ट्रांसफ़र में होता है कि आप खुद के जो अकाउंट है उसमें अगर आप, जैसे आप जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे ऐड किए हुए हैं उसी बैंक अकाउंट में आप अपना अगर आप पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी है जो कि आप कर सकते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र में। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र में होता क्या कि किसी का भी बैंक अकाउंट में अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो कि हम लोग बैंक ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर है जो कि फिल कर देना है, ऊपर में अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद जो कि आपको रीसेंट अकाउंट नंबर डालना है यानी कन्फर्म करने के लिए। यहाँ पे जो कि IFSC कोड है जो कि डाल लेना है, यहाँ पे जो कि आपको नेम डाल लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले पे क्लिक करना है। पे रविशंकर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो कि अमाउंट डाल देते हैं, यहाँ पे जो कि हम टेस्ट, ठीक है यहाँ से ओके, और यहाँ से जो कि हम पे पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो कि जो आपका UPI नंबर है वो आपको UPI नंबर यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे जो कि आपको पे पे क्लिक कर देना, और ये है जो कि देख सकते हैं कि सक्सेसफुली है जो कि ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे 1 रुपीज यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा फिर से आपको पे करना, फिर से आपको पे आना है, अब फिर से जो भी अमाउंट है वो है जो कि अमाउंट डालना, यहाँ पे जो कि एथी डालना, यहाँ से आपको सेम प्रक्रिया से जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो कि किसी भी बैंक अकाउंट में जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को, उससे पहले जो कि आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, पेमेंट ट्रांसफ़र है जो कि आप समझ गए हैं। इसके अलावा जो कि 2 ऑप्शन और आ गया जो कि पे बिल है और मोबाइल रिचार्ज है। जैसे आप पे बिल पे क्लिक करेगा तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर जो कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक रिचार्ज, डिश टीवी केबल, फास्टैग, गूगल पे, यहाँ पे जो कि क्रेडिट कार्ड, अलग अलग गैस का, ब्रॉडबैंड का, पोस्टपेड का, ये सभी का जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ से जो कि और भी है जो कि अलग अलग इसका इंश्योरेंस का, आप अपने LIC का भी प्रीमियम है जो कि इसी गूगल पे से जो कि आप पे कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने खुद का जो कि हम अपना LIC का भी पेमेंट यहीं से करते हैं, जो कि आप कहीं पे किसी मतलब कि जो एजेंट है उसको जो कि बुलाने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में जो कि मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी तरीके का जो कि देख सकते हैं अलग अलग कंपनी यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे नंबर शो कर रहा है जो नंबर हम पहले रिचार्ज किए हैं, ये नंबर को जो कि हम यहाँ पे अगर रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ पे नंबर आपको फिल कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना, ये आपको यहाँ पे लेकर के चला गया। जो भी है Jio प्रीपेड है वो है जो कि आ गया, इसका सारा ऑफर यहाँ पे आ गया, इस ऑफर से जो कि रिचार्ज होता है। अगर आप पहले रिचार्ज किए तो यहाँ पे जो कि
स्पीड रिचार्ज पे कर सकते हो, भी पसंद है वो जो कि आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि 179 का जो कि हमको ऑफर पसंद है। यहाँ पे सिंपल हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम लोग पे पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर चला गया। यहाँ पे हम अपना UPI नंबर डालेंगे और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से। हो गए, यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। ये सभी के अलावा यहाँ पर आप जिनका भी पेमेंट आप किए हैं या आपके यहाँ पेमेंट आया है वो सभी का जो कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल यानी कि उसका जो कि व्यू यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो कि नीचे हम लोग स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो कि शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करके आप अपना सारा ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। चेक बैंक बैलेंस, इस पर आप क्लिक करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरीका से कि आपके अकाउंट में या आपके गूगल पे में कितना अमाउंट बच रहा है, तो मेरे पास अभी अमाउंट ये बच रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इनवाइट फ्रेंड टू गेट, यहाँ पे जो कि आप रेफ़र किसी को करते हैं और इससे अगर कोई अकाउंट ओपन करता है गूगल पे तो आपको एक यूजर पर आपको 201 रुपीज है जो कि आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो कि इन्वाइट पर क्लिक करते हैं 1200 यहाँ, और अपना जो ये जो है और ये दोनों में जो कि हम ये चीज़ यहाँ से भेज दिए हैं, और जो भी इससे अकाउंट क्रिएट करेगा तो हमें पर यूजर पे हमें 201 रुपीज़ है जो कि हमें मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से जो कि आप गूगल पे को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दूसरे को जो कि पेमेंट को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा होगा, वीडियो चलो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीका के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आते रहता है।